ईश इनका मंगल करने वाला और इनका शास्ता, ये बात याद होगी। ईश मतलब ईश्वर का ई जो होता है वो मंगल पवित्र करने वाला सूचक होता है, और श जो होता है वो शास्ता होता है, शासन करने वाला, रूलर कंट्रोलर, जिसमें धमक है, दम। ये सारे के सारे एक सूर्य नहीं है, कितने करोड़ अनगिनत सूर्य है। सारे सूर्य आ जाए, सारे इंद्र आ जाए, एक इंद्र नहीं है। ये तो एक ब्रह्मांड का, एक सोलर सिस्टम का एक सूर्य है। एक कथा आती है, अब फिर से कथा क्यों क्यों ला रहे हैं? भागवत में कथा आती है द्वारिका में, कितने इंद्र है, जितनी चीटियां होती है उतने इंद्र दिखाई देते हैं। ब्रह्मा इंद्र बहुत मन तो बहुत कर रहा है वो कथा बताने, बड़ी रसीली कथा है। इंद्र को मजा चखा दिया था, अगली बार याद दिलाना तो फिर इंद्र की ब्रह्मा की कथा। कितने इंद्र है, इंद्र को बड़ा हो गया था तो मैं इंद्र, मेरे हमने कह दिया खिड़की में से दिखा रहे उसके, देख कितने इंद्र है, देख एक चीटियां जा रही सबके साथ, अपने अपने राज्य के, अपने अपने ब्रह्मांड के, कई जन्म कमी इंद्र थे करके वो बड़ी रोमांचकारी फर्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग कथा है। अभी भागवत की कथा करे या गीता का ज्ञान करे, जैसे आपकी आज्ञा। तो ये सारे सूर्य, सारे इंद्र, सारा वायु जितना बहरा है, सब मिलके आ जाए, उनको दमन करने वाला जो शास्ता है, शासक है। अब दो चार दस पचास चीटी आ गए थे, डर के भाग नहीं जाते, क्या वैक्यूम कर देने, तो आग डाल देने, तो स्प्रे कर देने, तो ऐसी लात मार दे, तो हो गया कितनी, 50 थी 100 थी पता नहीं, हाथी कुत्ते भौंके 1000, हाथी चले बाजार, पता नहीं कितने इंद्र है कितने, हु केयर्स। ऐसा जो शासन करने वाला शास्ता, और लेकिन उनका मंगलकारी है, क्रूर शास्ता नहीं है ना, जो उनका उसको देवेश कहते, देवों का ईश, देवेश जगन निवास, जगत में जिसका निवास है और जगत का जिसमें निवास है वो जगन निवास है। जगत मतलब जिसका जन्म हुआ है वो, गत मतलब जाएगा, ज मतलब जन्मा है, जगत में रह रहे हम लोग, मजा कर रहे हैं, मस्त मजे, फर्स्ट क्लास है, इधर से उधर जा रहे, ये खा रहे वो रहे, जगत को समझा क्या? जगत मतलब जन्मा है तो जाएगा, मरेगा, संस्कृत में जगत मतलब, और इधर कैसा मजा फिर, यहाँ मजा कैसे, अगर जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मिट जाएगा, छुट जाएगा, कट जाएगा, तो मजा कैसा? ऐसा ही है जगत। तो जगत का जिस में निवास, सारी लहरों का समुद्र में निवास, सारे गहनों का चांदी में निवास, सारे मटकों का मिट्टी में निवास, सारे स्वप्न पात्रों का स्वप्न देख दृष्टा में निवास, ऐसे जगत जो भी है जिसमें निवास, अथवा समुद्र का सारी लहरों में निवास, सोने का सारे गहनों में निवास, मेरा मेरे सारे स्वप्न पात्रों में निवास, मिट्टी का सारे मटकों में निवास, ऐसे जगत में एक उस जगतपति का निवास, उसे जगन निवास कहते हैं, भगवान का नाम है। If these videos are helpful, please share them with others. Like and subscribe to help spread the message of Krishna. Jai Shri Krishna.